सो हे गाइस, अगर आप भी जब अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ रीसेटिंग सीपीयू फ्रीक्वेंसी इन दी सीएमओएस सेटअप। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपके यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा होगा कि आपका BIOS किस की प्रेस करने से ओपन होगा। यहाँ पर आ रहा है कि अगर मैं डेल की प्रेस करूँगा मेरा BIOS खुल जाएगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर डेल की प्रेस कर दी है और ये देखिए मेरा BIOS खुल चुका है। आप जब आपका BIOS खुल जाए तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढनी है, स्टैंडर्ड CMOS फीचर। मेरे BIOS पर ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे है। अगर आपका कोई दूसरा BIOS होगा तो आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड CMOS ऑप्शन पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपने क्या जाना है, आपको एक होल्ड ऑन की ऑप्शन मिलेगी, आपने उस ऑप्शन पर जाना है। आपने उस ऑप्शन पर जाकर एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा से दिखेगा, आपको एक नो एरर वाली ऑप्शन मिलेगी, आपने उस ऑप्शन पर जाकर उसे टिक कर देना है। फिर आपने इस चेंज को सेव करना है। मेरे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अगर मैं F10 की प्रेस करूंगा मेरा ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है अगर मैं F10 की प्रेस करूंगा मेरा सेव चेंज हो जाएगा। और ये मैं यहाँ पर F10 की प्रेस कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, आपने Y की प्रेस करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और आपकी विंडो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके कुछ काम आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।